हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि सर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प करती है और किस तरह से आप बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर फंडिंग ले सकते हैं अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए फंडिंग पैसा आपको कहाँ से मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प की जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फंडिंग कहाँ से मिलने वाली है। फ्रेंड्स, हमारे पास काफ़ी पार्टिसिपेंट्स की क्वेरी आती है, वो बोलते हैं कि सर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास फंडिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसी वजह से हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहाँ से पैसा मिलने वाला है, कहाँ से फंडिंग मिलने वाली है। फ्रेंड देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस हो या फिर डोमेस्टिक बिजनेस हो, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट और कैपिटल लगाना कंपलसरी है, बिकॉज बिना पैसा लगाए कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता, चाहे ये इन्वेस्टमेंट कम हो या फिर ज़्यादा हो, लेकिन आपको लगाना जरूर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आप शुरू करते हैं तो उसके लिए भी आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमारे काफ़ी पार्टिसिपेंट बोलते हैं कि सर हम लोग अभी जॉब में थे या फिर किसी अदर बिजनेस में थे, हमें अभी हमारे पास उतना फंड नहीं है कि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में लगा सकें, तो क्या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से कोई हेल्प होगी जिसमें हम लोग इनिशियली कैपिटल लेके, इन्वेस्टमेंट लेके, फंडिंग लेके अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी स्कीम है जिसके थ्रू आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी थर्ड पार्टी सिक्योरिटी या फिर गारंटी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पैसा ले सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट बैंक से। फ्रेंड देखिए, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो यंग बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लेवल पर स्केलेबल बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए स्कीम चलाई हुई है जिसका नाम है मुद्रा लोन। आप मुद्रा लोन के अंदर एक नया जो एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है उसे स्टार्ट करने के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको लोन मिलेगा वो 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन इनिशियली मिल सकता है, जिसके लिए आपको कोई भी एडिशनल सिक्योरिटी नहीं देनी है गवर्नमेंट को, बैंक को, या फिर कोई भी जो एक गारंटर है वो भी आपको नहीं प्रोवाइड कराना है। आप अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट के बेसिस पे ये लोन ले सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी एक इकोनॉमिकल जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलने वाला है, कोई सिक्योरिटी आपको नहीं देनी है। तो यहाँ पर आप 50,000 से लेके और 10 लाख तक के बीच में कहीं भी कोई भी एक लोन अमाउंट आपको मिल जाएगी एज पर योर डॉक्यूमेंट, एज पर योर प्रोफाइल। तो अपने लोकलाइज जो नेशनलाइज बैंक हैं उन्हें अप्रोच कर सकते हैं कि सर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है, इस बिजनेस के लिए हमें मुद्रा लोन आप प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, गवर्नमेंट की ये स्कीम है जिसके अंदर जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करा जाती है, उनको लोन प्रोवाइड करा जाता है। ये जो लोन का टेन्योर है, लोन का जो टाइम है, लेके 1 साल से मैक्सिमम 7 ईयर तक, 7 साल तक हो सकता है। उसके अलावा जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो बेसिक आपकी जो KYC है, आपका जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में कर रहे हो, चाहे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तीनों में से कोई भी अगर फॉर्म है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी नेशनलाइज बैंक में आपकी नियर बाई ब्रांच में से एज अ मुद्रा लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है कि आप फ्यूचर में जो पैसा ले रहे हैं, इस पैसे का आप क्या करेंगे, कहां इस फंड को यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से बिजनेस करने वाले हैं, किन प्रोडक्ट में डील करने वाले हैं, राइट? आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का थोड़ा नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि यहां पर जो आपके बैंक मैनेजर हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो सब चीजें चेक करते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि सर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे फंडिंग दे दीजिए, और उन्होंने फॉर एग्जांपल 5 लाख की आपको फंडिंग दी लेकिन अभी आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो पैसा अलग तरीकों से उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये इसलिए गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं या फिर जो बैंक ऑफिशियल्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि जो राइट पर्सन है उनको ये लोन या ये जो फंडिंग है प्रोवाइड की जाए। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए, उस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, बिकॉज वो पूछ सकते हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एज पर दी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस होनी चाहिए कि आप ये जो पैसा लेंगे, मान लीजिए आप 5 लाख रुपीज़ ले रहे हैं, तो 5 लाख रुपीज़ आप कहाँ पर लगाने वाले हैं।
उसके अलावा फ्रेंड्स, मुद्रा लोन के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं इनिशियली अपने बिजनेस को रन करने के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से हो गया। फर्दर देखिए, जो अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री में जब आपकी एक या दो डील हो जाएगी, उसके बाद आपको प्री शिपमेंट फंडिंग भी मिलती है, पोस्ट शिपमेंट फंडिंग भी मिलती है। तो जो आपका बैंक है, जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट होगा, वो फर्दर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मुद्रा लोन से पैसा मिल गया। लेकिन जो आगे आपके पास ऑर्डर आएंगे, मान लीजिए एज आप मर्चेंट एक्सपोर्टर काम कर रहे हैं, तो जो आपके पास ऑर्डर आएंगे उनकी जो कॉस्टिंग है वो भी आप बैंक से फुलफिल कर सकते हैं, प्री शिपमेंट लोन ले सकते हैं। तो प्री शिपमेंट लोन में फ्रेंड्स, जो आपका ऑर्डर है, मान लीजिए 10 लाख का आपके पास ऑर्डर आया, तो एक फिक्स परसेंटेज के साथ जो उसको 10 लाख का ऑर्डर परचेज करने के लिए जो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो भी आप बैंक से ले सकते हैं। तो देखिए, यहां पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट काफी हेल्प करती है नए एक्सपोर्टर्स को क्रिएट करने के लिए, नए एक्सपोर्टर को बनाने के लिए उनकी काफी हेल्प करती है एक्सपोर्ट करने में भी। बट यहां पर शर्त इतनी है, आपको मेहनत करनी होगी इस इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको फंडिंग लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी हेल्प ले सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली गाइड करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस से रिलेटेड। फ्रेंड्स, उसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में अगर आप प्रैक्टिकली सीख के काम करेंगे तो आपके टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होता है, आप बहुत जल्दी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड इशू हो, शिपिंग, लॉजिस्टिक, मार्केट में बायर फाइंड करने से रिलेटेड हो, हम आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करेंगे। इनफैक्ट आपको यंग एक्सपोर्टर, एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फंडिंग कैसे ली जाती है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।